जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यार, आज सुबह सुबह ही मौसम बहुत ही प्यारा, बारिश वगैरह हो रही है इस वक्त यार, फुल ठंडा मौसम हुआ हुआ है। और ये फूड पांडा भी बाहर आया हुआ है। ये फूड पांडा कैसा? तो फूड पांडा आप कैसी हो? आप मुझे बताओ, हैं आप कैसी हो? कैसी हो आप? कोई आपको इलम है कि कल ईद है? इस बात का इलम आपको? इलम है आपको इस बात का? आपको खाना आता है, सोना आता है, देखो आंखें गंदी की हुई हैं सूस हो गई। ओए होए होए, अगर कल ऐसा मौसम हुआ तो मज़ा आ जाएगा। वैसे ये ठंडी हो जाएगी, आराम से फिर गोश्त वगैरह खाएंगे। मैं तो खाता नहीं। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। हाय हाय हाय, हवा यार लेवल की चल रही है, मौसम फुल लेवल का हुआ भाई यार इस वक्त। मज़ा आ रहा है तकरीबन यार, बाहर खड़े होने का मज़ा आ गया, ठंडा मौसम। लेकिन जो साढ़े पाकिस्तान का सब तो बड़ा प्रॉब्लम है, ज़रा जहाँ मौसम ठीक होंगे लाइट ख़राब हो जाती है, बस आई है। अंदर लाइट गई हुई है तो बाहर मौसम चंगा हो गया, अंदर लाइट हो गई, गुस्सा चढ़ता यार। तू कितने जा रहा है? ओए एट माई सिग्नल अनलीश हेल, कितने चलना है? हैं मैं तो नहीं जा रहा, जा ले आ, पैदल ले आ, जा जा, इतना लंबा है, थोड़ा कद छोटा हो जाएगा, जा पैदल ले गया। ओए छुटकू तुम कहाँ आ रहे हो? जा 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 जा, मैं नहीं आ रहा, जा जा जा, मैं नहीं आ रहा। ये किसका बकरा है? यहाँ पे तो कोई घर ही नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ दुकानें हैं। कोई दुकान वाला नाल ले है अपना बकरा। जैसे कि तुम लोग देख सकते हैं, मॉम ने आलू बनाए हैं आज, आलू रोटी के साथ। और ये आलू बड़े मज़े के, कोई रात के बने हुए हैं। रात को तो शवारमे खा रहे थे, लेकिन अब तो ये खाने पड़ेंगे। ठीक है फटाफट से खा लेते हैं जी खाना दोपहर का। अभी शाहरुख तो वॉक करने जा रहा है, सुना मैं कह यार शाहरुख के साथ ही वॉक करने चला जाता। अभी शाहरुख तो वॉक करने जा रहा है, तू वॉक करने जा रहा है कल, फिर तू सही पाड़ेगा शाहरुख। अभी शाहरुख तो सही कल पाड़ेगा, आज तो सारी वॉक करनी है तूने, जितनी वॉक करनी है आज कर ले, जितनी वॉक करनी आज तूने कर ले, कल तूने फिर जितना खाना। तीन दिन नहीं जाएगा, फिर तीन दिन में तेरा पेट यहाँ तक आ जाएगा। खैर तकरीबन लास्ट डे है ना, इसलिए सारे देख बकरों के पास बैठे हुए अपने अपने, देख ये भी बैठे हुए हैं, बच्चे तो बहुत ही बैठते हैं बकरों के पास, है ना। तो जिनके जानवर नहीं भी आए हुए थे आज, उनके भी आ गए हैं, तो जिसकी वजह से सारे ही आज बाहर बैठे हुए हैं कुर्सियाँ डाल के, और सारी रात कुर्सियाँ डाल के बैठे रहेंगे, क्योंकि कल फिर जो इन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाना है। ओए होए यार ये व्यू बड़ा प्यारा, क्या नाम है इस मस्जिद का? फैज़ाने मदीना जोहटन। फैज़ाने मदीना जोहटन का व्यू देख रहे हैं आप इस वक्त, क्योंकि हम यहाँ पे हाफिज़ साहब ने कुर्बानी में हिस्सा डाला, वो जानवर देखने आए थे वहाँ पे, तो लेकिन ये व्यू हमें बड़ा प्यारा लगा, ब्रेस्ट टेकिंग व्यू। ब्रेस्ट टेकिंग व्यू है ये। ओके तो यार ये हम, मैंने कहा कि यार बाहर से प्यारी लग रही है तो अंदर से भी देख ली जाए, तो ये है जी अंदर का व्यू। ये सारी मस्जिद माशाल्लाह बहुत प्यारी है, ये देखें सारी, विजिट करवा रहा हूँ वॉशरूम। ओके तो ये है माशाल्लाह ऊपर से। अब हम हैं जी मस्जिद की छत पे, मस्जिद की छत पे हम, हॉस्टल भी है और ये हमारी क्लासेस हैं। ये जो सामने नज़र आ रही है ना आपको, हाँ, खुली हुई, हाँ, ये सामने प्रिंसिपल का ऑफिस है, हाँ, इसके साथ जो फर्स्ट आती है ना क्लास, वो मेरी क्लास है। अच्छा, हम पढ़ते हैं यहाँ पे, हाफिज़ साहब पढ़े हैं, ये सामने उनकी क्लास है। और यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह भी हैं जो दूर से आते हैं स्टूडेंट्स वगैरह। ओए होए, और ये अजीब गुंबद का क्लोज व्यू हमने दूर से देखा था, लेकिन अब ये पास का दिखा देते हैं। पास से माशाल्लाह काफ़ी प्यारा लग रहा है, ये देखें सामने से, इसका दिखा देते हैं, यहाँ से भी दिखा देते हैं, पास थोड़ा चलते हैं इसके। अभी तो थोड़ी लाइट्स वगैरह बंद हैं, इसलिए काफ़ी प्यारा है माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। जी तो यार कमेंट्स वगैरह बताओ तो फिर, कैसा लगा तुम लोगों को ये पीछे से नज़ारा सारा, ये देखो कैसा लगा तुम लोगों को, कैसा लगा मुझे बताओ, फिर कमेंट में बताओ, कमेंट बॉक्स भर दो फिर, ठीक है। कैसा लगा तुम्हें ये व्यू, ये व्यू का मुझे बताना इंशाल्लाह। और मनीर तुम्हें कैसा लगा, तुम बता दो। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो यार ये है दूसरी बिल्डिंग, यहाँ पे वगैरह क्लासेस वगैरह होती हैं, ये सारी जो लॉग हैं ये क्लासेस हैं, क्लासेस हैं ना बड़े, हाँ ये सारी क्लासेस वगैरह हैं यहाँ पर। तो जिसका जो टॉपिक होता है, जैसे वही कॉलेज वगैरह में होता है, जिसका जो, ये देखो
ये इस्लामिक फाइनेंस है, ये देखो ठीक है, हर बंदे शोबे इस्लामिक फाइनेंस। मुझे देखें कंप्यूटर लैब भी है, मज़े की बात है। उलमाए किराम बनते हैं ना, तो फिर हमको ये रूम दिया जाता है कि आप कंप्यूटर लैब में आए और फतवा निकालते हैं, कोई नया मसला अपना हम बयान करते हैं, तो उसको टाइप करके तो उसको लोगों में जो है शाया कर देते हैं, शाया कर देते हैं, इंटरनेट पे भेजते हैं, जो लोग मतलब मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पे, तो उसका वर्क यहाँ पे था, जितना भी सोशल मीडिया का होता था जो वीडियोज आती है सामने सर, तो यहाँ ओके ओके। तो यार ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये देखो यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज डिपार्टमेंट, चाइनीज़ लैंग्वेज भी होती है यहाँ पे, बड़ी बात है। ठीक है ना यार, कोई बात नहीं, मुझे पता है उधर नंबरिंग नहीं है, ये डिपार्टमेंट्स नहीं है ये डिपार्टमेंट्स नहीं है, डिपार्टमेंट यहाँ 14 तक हैं, ठीक है, तो इन दोनों को इग्नोर करो, तो बाकी ये देख लो सारे डिपार्टमेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी एडवांस हो गया है ना। और लोग समझते हैं कि सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी एडवांस होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी माशाल्लाह हर किस्म की तालीमात दी जा रही हैं। एग्जामिनेशन सेक्टर है, इंस्ट्रक्शन है, जो एग्जाम वगैरह हमारे होते हैं, तो जो चेकिंग वगैरह होती है पहले यहाँ पे आती है, फिर आगे जाती है चेकिंग वगैरह, जो बाहर वाले तो यहाँ पे आती है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी रिजल्ट बनते हैं वो यहाँ पे आकर मिलते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज है डिपार्टमेंट, यहाँ पर मिसाल जिनको जॉब वगैरह करनी होती है, जो प्रैक्टिस वगैरह करनी होती है, उन्होंने तो यहीं पर आके करते हैं रिसोर्स के लिए, जैसे कि ब्लड देना, थैलेसीमिया के मरीजों को, अब उसके अलावा जो लोग हैं बाहर जिनको काम वगैरह नहीं, तो उनको यहाँ पर आके सिखाया जाता है, ट्रेनिंग मिल जाती है, वो काम करते हैं। और थैलेसीमिया में हो गया, हाँ ब्लड जो दिया था पिछले रमज़ान में भी कैंप लगा था यहाँ पे, 27वीं को लगा था। और ये सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, ये सोशल मीडिया डिपार्टमेंट यहाँ पे जो है वो वर्क होते हैं, जितने भी मिसाल के तौर पर इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक और जितने भी लाइव शो चलते हैं, या पिक्चर वगैरह बना के भेजते हैं कुर्बानी के लिहाज से, मसाइल के लिहाज से पिक्चर वगैरह भेजते हैं, तो इस रूम में सारा यहाँ ये हैंडल करता है, ये इसमें प्रोफेशनल लोग बैठते हैं जिनको इसकी नॉलेज होती है, डिपार्टमेंट से लोगों के लिए काम करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर खूब घूम गए, बह रहे हैं, घूम गए, चल नहीं सकता, जो इस तरह के स्पेशल जो होते हैं उनके जो लोग होते हैं, तो ये जो दफ्तर ये उन्हीं के सारा मतलब सोचता है उनके लिए क्या क्या बेहतरी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अंधा है, नबीना है, ठीक है, ब्राइंड है, वो नहीं देख सकता, उसको पढ़ने के लिए यहाँ पे बनाते हैं कि किताबें बनाते हैं, वो जो टच करके वो पढ़ते हैं ना, तो उसका डिपार्टमेंट ये है, उनके लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है, ऑनलाइन देखा जा रहा है कितनी किताबें बन गई है, कैसे कैसे बनाना है, उनके लिए कौन सा काम करना है। और गूंगे और जो बहरे हैं उनके लिए जो सिर्फ मिसाल के तौर पर अभी आपने देखा था नीचे डेक वगैरह लगे हुए हैं, माइक वगैरह लगे हुए सारे, तो इज्तमा होता है या कोई इस तरह का होता है कि उनका मशवरा किया जाए, उनको बयान दिया जाए, तो वहाँ दो तीन इस टाइम पर बैठे थे बंदे बैठे होते हैं जो उनको सुनते हैं और वही ट्रांसफर इशारे में उनको गाइड करते हैं कि ये तो ये है, लेकिन यहाँ लाइट्स वगैरह नहीं है थोड़ा सा, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये यहाँ पे सारा काम होता है, यहाँ पे वही है जो लोग तो के बाहर काम कर रहे हैं, चाइनीज़ मुबल्ली कोर्स यहाँ पे कोर्स होता है, जहाँ बैठ के दिखाया जाता है पहले कंप्यूटर पे कि आपने इस तरह बाहर डील करना है, किस तरह उनको काम करना, सारी ट्रेनिंग होती है, बड़ी सारी ये बंदा लेक्चर प्रोनाउंस किए गए हैं, ये बंदा लेक्चर दे रहा है, कौन सा बंदा लेक्चर देगा, सारा मतलब लिखा हुआ है, इस टाइम पर ये बंदा आ रहा है। अच्छा ये आ गया जी रुकने शोरा, मेंबर ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी, जैसे पूरा मतलब कि निज़ाम होता है उसमें रुकन बनाए जाते हैं, मिसाल के तौर पे सबसे ऊपर एक हेड होता है, प्रिंसिपल है, फिर टीचर्स हैं, फिर इसी तरह जो हमारी तंजीम है उसमें सबसे बड़े एक हमारे निगरानी शुरा है, उसके बाद रुकने शुरा जो 26 हैं, 27 रुकने शुरा है, उनमें से एक जो रुकने शुरा है जो पंजाब पूरे हैंडल कर रहे हैं उनका ऑफिस ही है, क्योंकि ये मरकज़ है पूरा, ये तो काफ़ी क्विक टूर था, तो बहुत ही क्विक टूर करवाया, अभी तो इंशाल्लाह वापस जाएंगे वापस और दोबारा ये सारा टूर करके आएंगे। तो यार कैसा लगा आपका आज का ब्लॉग, लाइक मेंशन के ग्रुप जाएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो मिलते हैं जी फिर आपसे यार कल के ब्लॉग में, तो फिर Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.